राज्य शासन के निर्देश के अनुसार रतलाम में भी जीर्ण शीर्ण जर्जर भवनों को चिन्हित कर उन्हें गिराने की कार्रवाई की जा रही है, ताकि कोई जनहानि ना हो और उससे बचा जा सके। कल नगर निगम आयुक्त ने कुछ क्षेत्रों का दौरा कर भवनों को चिन्हित किया। तत्पश्चात आज फिर रतलाम नगर निगम का अमला जब रतलाम के कसारा बाजार क्षेत्र स्थित एक जर्जर मकान पर कार्रवाई करने पहुंचा, तो वहां पर मकान मालिक एवं उनकी पत्नी के द्वारा नगर निगम के कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार करते हुए मारपीट की गई। नगर निगम में लोक निर्माण विभाग में टाइम कीपर के पद पर पदस्थ निखिल वाणी जब क्षेत्र में दो मकान मालिकों को समझाने गए तो एक मकान मालिक तो मान गए, परंतु दूसरे मकान मालिक ने भी बात करते हुए उन पर लात घूंसे चलाने लगे और हमला कर दिया। इसके बाद पुलिस एवं नगर निगम के अन्य कर्मचारी अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा मानक चौक थाना क्षेत्र में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। आज जैसे कल आयुक्त महोदय द्वारा नगर भ्रमण किया गया था और कुछ जीर्ण शीर्ण मकान हम दिखाए गए थे, उनमें आयुक्त महोदय कार्यपालन यंत्री द्वारा निर्देश थे कि उन मकान को सील किया जाए, तो आज उसी कार्रवाई में हम आए थे सील मकान सील करने, लेकिन वहाँ के जो रहवासी थे उनके द्वारा हाथापाई करके विरोध किया गया, तो हम उसी की ही हम कार्रवाई के लिए FIR कराने आए थे। हमारे ये टाइम कीपर निखिल वाणी के साथ उन्होंने हाथापाई करी और मतलब आक्रोश व्यक्त किया। लोगों के लिए जा रहे हैं, लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जीर्ण शीर्ण मकान हो जाएंगे तो जान तो उनकी जान है, तो हम उनकी सेफ्टी के लिए जा रहे हैं, लेकिन पब्लिक का बिल्कुल भी हमें सहयोग नहीं दिया जा रहा है।